जय गुरुदेव। हाँ गुरुजी, कभी हम अपने वर्तन से दूसरों को बहुत हर्ट करते हैं और बाद में गिल्ट होता है तो सॉरी बोल देते हैं, तो इस सिचुएशन में हम अपना और दूसरों के कर्म को कैसे अफेक्ट करते हैं? क्या माफी मांगने और माफी देने से कर्म का प्रभाव कम हो जाता है? कृपया समझाएं। देखिए, माफी मांगे कोई तब हम माफ करे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिना किसी ने माफी मांगे हम माफ कर दे तो हम अपने लिए अच्छा है, अपना मन को तुम बचाओगे, एक बात है। हम समझते हैं कोई माफी मांगे गिड़गिड़ा के रोए, आपके पांव पकड़े, बोले मेरे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो करे, उसके बाद हम हाँ चलो मैं माफ कर दिया, बोले आपका सिर ऐसे ऊपर करके, इससे क्या है, इससे कुछ नहीं। माफ करने की बात से एक ऊंची बात यह है कि तुम्हारे भीतर करुणा हो, तुम देखो अरे ये भूल कर बैठा बेचारा, इसका दिमाग नहीं है। कम बुद्धि वाले तो भूल करते हैं, या अपने आप को अति बुद्धिमान समझते हैं वो भूल करते हैं, इसमें कुछ या कुछ किसी कर्मवश होश खो दिया तो बुद्धिमान भी है, होश खो गए तो गलती कर बैठते हैं। फिर इस सब के बावजूद क्या कर्म, किसी कर्म के वजह से इनसे ये कर्म हुआ, परिस्थितियां होती हैं, आप समझ रहे ना। आपने किसी को कुछ कहते हो मगर उस बीच में कुछ ऐसी घटना, उसके कर्म के वजह से कुछ घट जाता है, उसको गलत फहमी हो जाता है, फिर वो मन में उबलता रहता है। तो वो क्या है, आपके वजह से नहीं, आपने तो अच्छा ही सोचा है, पर वो अपने कर्म के वजह से उसको उबलना था, उखड़ना था, उखड़ गए हो, तो उखड़ के बैठे रहे हो तो दिन भर। इसलिए हमें ऐसी जो भूल करता है उस पर भी करुणा, जो इस तरह से उखड़े रहते हैं उस पर भी करुणा दिखाना, मगर वो करुणा कैसे, साम दान वेद दंड चारों से, पहले छोड़ दो फिर दंड दो, आखिरी में दंड उठाना पड़ेगा, फिर समझे नहीं तो क्या करोगे।